गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। बर्ड्स मीन्स होता है, बर्ड्स का हिंदी होता है पक्षी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस में पक्षियों के नाम यानी बर्ड्स नेम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बोर्ड का फोटो दिख रहा है आप लोगों को। सब्जेक्ट है ईवीएस। ठीक है बच्चों, पढ़ना है हम लोगों को बर्ड्स नेम। इसका हेडिंग होगा नेम ऑफ बर्ड्स। नेम ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम। ठीक है बच्चों, बर्ड्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे पैरोट। पैरोट मीन्स क्या होता है? तोता। पैरोट का स्पेलिंग होगा पी ए डबल आर ओ टी। पैरोट, पैरोट मीन्स तोता। ठीक है बच्चों, पैरोट मीन्स क्या होता है? तोता। पैरोट के बाद हम लोग देखेंगे स्पैरो। एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो। स्पैरो मीन्स क्या होता है कोई बताएगा? स्पैरो मीन्स होता है गौड़या। स्पैरो मीन्स क्या होगा बच्चों? गौड़या। दिख रहा है आप लोगों को? स्पैरो के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रो। क्रो मीन्स सभी को पता है, क्रो मीन्स कौवा होता है। सी आर ओ डब्ल्यू। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। कौवा किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। सभी को पता है कौवा ब्लैक कलर का होता है। क्रो के बाद हम लोग पढ़ेंगे डक। डक का स्पेलिंग मेरे साथ साथ बोलिए। डी यू सी के डक। डक मीन्स होता है बत्तख। डक मीन्स क्या होगा? बत्तख। ठीक है बच्चों, डक के बाद हो जाएगा पिकॉक। पी ई ए सी ओ सी के पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर। समझ आ रही है आप लोगों को? पिकॉक मीन्स मोर। पिकॉक के बाद हम लोग देखेंगे ईगल। ई ए जी एल ई ईगल। ईगल मीन्स क्या होता है बच्चों? गरुड़। ईगल मीन्स होगा गरुड़। ठीक है, ईगल मीन्स क्या होगा? गरुड़। ईगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वान। एस डब्ल्यू ए एन क्या हो जाएगा? स्वान। स्वान मीन्स होता है हंस। क्या हो जाएगा? स्वान मीन्स हंस। स्वान के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैना। एम वाई एन ए एच मैना। मैना का हिंदी होता है मैना। क्या हो जाएगा बच्चों? मैना। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? मैना के बाद हम लोग पढ़ेंगे काइट। काइट का स्पेलिंग सभी को याद होगा, के आई टी ई। काइट, काइट मीन्स कील। काइट मीन्स क्या होगा बच्चों? कील। समझ में आ रही है? काइट के बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग तो 10 हो जाएगा। काइट के बाद कोई बताए क्या पढ़ा है? काइट के बाद होगा पिजन। पी आई जी ई ओ एन पिजन। पिजन का हिंदी बताइए। पिजन का हिंदी होता है कबूतर। आप लोग पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ा है।
खा चुका है, पीजन का अंडी होता है कबूतर। वोट पे ध्यान दीजिएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? बर्ड्स नेम। बर्ड्स का हिंदी होता है पक्षियों के नाम। नेमो बर्ड्स का हिंदी हो जाएगा पक्षियों के नाम। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ आ जाए हम लोगों को, फिर याद करने में सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ेंगे। पैरोट, पैरोट का स्पेलिंग देखेंगे। पी ए डबल आर ओ टी, पैरोट। पैरोट मीन्स तोता। पैरोट के बाद देखेंगे स्पैरो। स्पैरो का स्पेलिंग है एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। स्पैरो मीन्स क्या होगा? गौरैया। स्पैरो के बाद हम लोग देखेंगे क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। क्रो का स्पेलिंग होगा सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। क्रो मीन्स होगा कौवा। क्रो के बाद हम लोगों ने पढ़ा है डक। डक का हिंदी होता है बत्तख। डक का स्पेलिंग होगा डी यू सी के, डक। डक मीन्स बत्तख। डक के बाद हम लोगों ने पढ़ा है पिकॉक। पिकॉक का स्पेलिंग होता है पी ई ए सी ओ सी के, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा, पहले पी का याद कर लीजिएगा। पी मीन्स होता है मटर, और कॉक को अलग करके डालेंगे तो कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। पी मीन्स होता है मटर, कॉक मीन्स होता है मुर्गा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पिकॉक। दोनों को जोड़ के क्या बनता है? पिकॉक। और पिकॉक मीन्स होता है मोर। स्पेलिंग हो जाएगा पी ए सी ओ सी के, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। समझ में आ रही है बच्चों? पिकॉक के बाद हम लोग पढ़ेंगे ईगल। ईगल का स्पेलिंग देखेंगे ई ए जी एल ई, ईगल। ईगल मीन्स क्या होता है बच्चों? गरुड़। ईगल मीन्स क्या होता है? गरुड़। ईगल के बाद हम लोगों ने पढ़ा है स्वान। स्वान मीन्स क्या होता है? हंस। स्वान का स्पेलिंग होता है एस डब्ल्यू ए एन, स्वान। स्वान मीन्स होता है हंस। स्वान मीन्स क्या होगा बच्चों? हंस। नेक्स्ट है हम लोगों का मैना। मैना का स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैना का स्पेलिंग है एम वाई एन ए एच, मैना। मैना का हिंदी होता है मैना, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है हम लोगों का नाइन नंबर में काइट। काइट का हिंदी क्या होता है? चील। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, काइट का हिंदी होता है चील। स्पेलिंग हम लोग देख लेंगे यहाँ के आई टी ई, काइट। काइट मीन्स हो गया चील, ठीक है बच्चों? काइट मीन्स चील। काइट के बाद देखिएगा बोर्ड पे क्या है। काइट के बाद हम लोगों ने पिजन पढ़ा है पी आई जी ई ओ एन, पी आई जी ई ओ एन, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। पिजन मीन्स कबूतर, ठीक है बच्चों? समझ आ रही है? एक बार और देख लीजिए। ये हो गया बर्ड्स नेम, एक से लेके दस तक आप लोगों को पढ़ाया गया है क्या क्या है। इसे पैरोट पढ़ते हैं। पैरोट मीन्स होता है तोता। इसे पढ़ते हैं स्पैरो। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, ठीक है बच्चों? क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। फोर्थ में देखिए डक। डक मीन्स क्या होता है बच्चों? बत्तख। डक मीन्स क्या होगा? बत्तख। डक का स्पेलिंग देखेंगे डी यू सी के, डक। डक मीन्स बत्तख। फाइव में हम लोगों का है पिकॉक। पिकॉक को तोड़ के याद करेंगे पी पी ए टी सी ओ सी के, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। पिकॉक मीन्स होगा बच्चों मोर। पिकॉक के बाद हम लोगों ने पढ़ा ईगल। सिक्स नंबर में है, इसको पढ़ते हैं ईगल, ठीक है? तो क्या पढ़ेंगे? ईगल। ईगल का स्पेलिंग है ई ए जी एल ई, ईगल। ईगल मीन्स गरुड़, ठीक है? ईगल के बाद सेवन नंबर में आता है स्वान। स्वान मीन्स होता है हंस। स्वान का स्पेलिंग है एस डब्ल्यू एन, स्वान। पहले भी पढ़ाए हैं, अच्छे से आप लोग समझ समझ के पढ़े हो, इसको याद करना है। स्वान मीन्स होता है हंस।
नंबर में मैना, इसको पढ़ते हैं मैना, मैना इंच होता है, मैना मैना बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी होता है उसका मैना। नेक्स्ट है हम लोग का 9 नंबर में काइट। काइट का स्पेलिंग KITE होता है, काइट मीन्स चील होता है, KITE काइट मीन्स चील होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर में, इसको पढ़ते हैं पीजन। पीजन मीन्स होता है कबूतर, PIGEON पीजन, पीजन मीन्स क्या होगा कबूतर। तो बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है? इसी तरह खूब अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है और लाइन भी लिखना है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आप लोग खूब अच्छे से बर्ड्स नेम को लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके लाइएगा। जब क्लास खुलेगी आप लोगों की होमवर्क चेक की जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग आज की क्लास? चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही। टाटा, टेक केयर।